दिन प्रतिदिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी सोच को क्या प्रेरित करता है? आप जो करते हैं उसे करने का कारण क्या है? आप कौन हैं? अधिकांश लोग यदि वे ईमानदार हैं तो कहेंगे उनकी परिस्थितियाँ, उनके आसपास के लोग, वो स्थान जहाँ वे स्वयं को पाते हैं, जिन चीज़ों पर हम प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, उनके कारण हम अक्सर वही बन जाते हैं जो हम हैं। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जरा सोचिए, यदि आप एक अच्छे भले ही सामान्य माता पिता के साथ एक प्यार करने वाले घर में पले बड़े हैं तो आप उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग होंगे जो एक अनाथालय या फिर रिश्तेदारों के टुकड़ों पर पला हो, जहां कभी किसी ने वास्तव में उसे प्यार ना किया हो। और बड़े होने पर हमारी परिस्थितियां अक्सर हमारी सोच को प्रेरित करती हैं। एक सुरक्षित नौकरी बनाम बेरोजगारी, एक खुशहाल शादी बनाम तलाक, अच्छे रिश्ते बनाम संघर्ष, इन सब का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या स्थितियों परिस्थितियों वहाँ मौजूद लोगों को हमारे जीवन में मुख्य चालक बनने की अनुमति देना वास्तव में सही बात है, या क्या कोई बेहतर तरीका भी है? बाइबल में लिखा है कुलुसियों उसका 3:15 में, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। देखा जाए तो जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है, यहाँ चढ़ाव है तो फिर उतराव भी है, आंधी है, तूफान है तो शांति के दिन भी हैं। लेकिन क्या आप सचमुच उस रोलर कोस्टर पर बने रहना चाहते हैं? ये नहीं। मसीह जो शांति देता है उसे अपनी सोच पर नियंत्रण करने दें, और जब आप अपने जीवन में इन सभी चीज़ों को निपटते हैं तो आभारी रहें, हमेशा आभारी रहें। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करें और तुम धन्यवादी बने रहो। आप यीशु के जितना करीब जाएंगे आपके जीवन में उतनी ही अधिक शांति होगी। ये परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।